हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी ऑब्वियसली बात है, एनसीईआरटी पे बेस सारे क्वेश्चंस रहेंगे और जो भी बुक्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारा कोर्स जो रहेगा वो एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा। आज हम लोग क्लास नाइन्थ की मैथ्स में क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास नाइन्थ में पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। तो पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या करें, हम नंबर सिस्टम को समझें। कि पूरे फ्लो चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया और ये सबसे आसान तरीका है नंबर सिस्टम को समझने का कि क्या प्रोसेस है, क्या नंबर, कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आएगा और उसे क्यों क्या कहा जाता है ना। तो ये हम समझेंगे, नंबर सिस्टम अपने आप में पूरा एक रिवर्स सिस्टम की तरह है, इंटरकनेक्टेड है, तो इसे हम समझेंगे, है ना। आइए देखते हैं, क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो देखिये आप नंबर सिस्टम में, जो नंबर सिस्टम में नंबर है उसे डिवाइड किस तरीके से किया गया, पहला जो प्राइमरी डिवाइड किया है वो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर में डिवाइड किया है। किसमें डिवाइड किया है, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर में। तो आप रियल नंबर पे आने से पहले, है ना, हम इमेजिनरी पे आने से पहले हम समझेंगे कि जो नंबर्स है ना उनको जो डिवाइड किया गया इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर में वो बेसिकली क्यों किया गया। देखिये पहला जो आया वो इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर आप ये समझ लीजिए, इमेजिनरी नंबर से मतलब हुआ इमेजिन, है ना। इसका मतलब आप केवल और केवल इसे इमेजिन कर सकते हैं और ऐसा नंबर है जिसे कि मैं नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकता, है ना। ऐसा नंबर है जिसे मैं नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन वो लाइन होती है मैथमेटिकली, वो लाइन होती है जिसपे हम नंबर को शो कर सकते हैं, जिसमें जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो जीरो होता है, उसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये जो होता है ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट, है ना, जीरो। तो ये नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन पे हम इमेजिनरी नंबर्स को, इस नंबर लाइन पे हम इमेजिनरी नंबर्स को प्लॉट नहीं कर सकते। ये जो नंबर्स है ये प्लॉट नहीं होंगे, है ना, ये नंबर्स जो है ये प्लॉट नहीं होंगे। और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो इमेजिनरी जो शो किए जाते हैं नंबर्स वो आई से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस वन, है ना, हमेशा आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस वन। और ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर अंडर रूट के अंदर है और वो कोई सा भी नंबर हो माइनस में, मैंने बोल दिया एक वेरिएबल ले लिया ए, ए मतलब कोई भी नंबर, है ना, आप ए की वैल्यू वन भी हो सकती, टू भी हो सकती, थ्री भी हो सकती, मगर अंडर रूट में क्या होना चाहिए, माइनस। तो ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट में है और माइनस में है वो सारे किस में आएंगे, इमेजिनरी नंबर्स में आएंगे, इमेजिनरी नंबर्स में आएंगे, है ना। इस पे आगे देखें तो इमेजिनरी नंबर्स को, इमेजिनरी नंबर को अगेन डिफाइन किस में क्या है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ है मिलके बना हुआ, मिक्सअप, मिलके बना हुआ, किससे मिलके बना है, तो रियल नंबर से प्लस इमेजिनरी नंबर से। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर किससे मिलके बना है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से। तो रियल नंबर्स क्या, तो रियल नंबर मतलब कोई भी यहाँ पे पार्ट हो सकता है, वन टू थ्री, यहाँ पर ये वाला पार्ट वन टू थ्री कोई सा भी हो सकता है। प्लस इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा, इमेजिनरी नंबर होगा सेवन आई, जिसमें आई लग जाए, है ना, जिसमें आई लग जाए, पीछे जिसमें आई लग जाए वो सारे कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब रियल नंबर से भी मिलके बना है और इमेजिनरी नंबर से मिलके बना है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है, वो क्या कहलाएंगे, आपके रियल नंबर कहलाएंगे, है ना। मतलब कि इस कैटेगरी में कैसे नंबर आ सकते हैं वो भी देख लें। रियल नंबर को अगेन डिवाइड किया है किसमें, इरेशनल नंबर में और रेशनल नंबर में, इरेशनल रेशनल। तो रेशनल मतलब ऐसे नंबर, रेशनल मतलब ऐसे नंबर जिनको p अपॉन q की फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। इरेशनल वर्ड कहां से आया, रेशनल वर्ड आया रेशो से, रेशो से, रेशो मतलब जब दो नंबर हो उनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो डिवाइड कर रहे हो तो वो क्या कहलाते हैं, आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं, है ना। तो P माना कोई नंबर है, Q माना कोई नंबर है, है ना। तो ये भी क्या आपके, ये क्या है और उनको डिवाइड कौन सी लाइन कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे।
अब इसमें एक इसमें प्रॉब्लम आती है या एक कंडीशन आती है, ये बोलिए वो कंडीशन क्या है। ये जो Q दिख रहा है ना, ये Q ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर मुझे रेशनल बनाना है, सपोज कीजिए मुझे 2/3 लिखा, तभी ना जाके ये रेशनल हो जाएगा, है ना, तभी जाके रेशनल होगा। अच्छा एक और चीज देखिए, क्या मैं अकेला बोलूं कि 2 है, मैंने बोला 2। देखिए आप, अभी तो मैंने लिखा था, क्या लिखा था मैंने, मैंने लिखा था 2/3 रेशनल है। आप बोलोगे हाँ रेशनल है, क्योंकि P/Q की फॉर्म में ये हो गया P, ये हो गया Q, है ना, इस तरीके से। मगर मैंने अगर बोला कि सपोज कीजिए मैंने अकेला 2 लिखा, मैंने अकेला 2 लिखा, तो क्या 2 रेशनल नंबर है क्या? 2 रेशनल नंबर है क्या? है। क्यों? जहां कुछ नहीं होता वहां नीचे में क्या अज्यूम कर सकते हैं? 1, है ना भाई, 1 अज्यूम कर सकते हैं। 1 से कितने टाइम कटेगा इसको, आप अगर काटेंगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। मतलब जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, है ना। जैसे किसी का एक डायलॉग आपने सुना होगा मूवी का, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार, वैसे ही यहाँ पर अगर ये 2 है और इस 2 को मैं बोलूं कि रेशनल है कि नहीं है, तो आप बोलोगे रेशनल है सर, इसके नीचे आप 1 अज्यूम कर सकते हैं, तो ये रेशनल हो जाएगा। मतलब अगर मैंने लिख दिया 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर, है ना, वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे लिख दिया भाई -2, -3, -4, तो ये भी हो सकते हैं, इनके नीचे मैंने ज़ूम कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रेशनल तो होंगे ना, P/Q तो है ही अभी भी, है ना। तो इस तरह के नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में शो कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर को अगेन डिवाइड किया है फ्रैक्शनल नंबर में, फ्रैक्शनल नंबर में, फ्रैक्शनल नंबर में, किसमें? फ्रैक्शनल नंबर में, फ्रैक्शनल नंबर में और इंटीजर नंबर में, दो नंबर में इसको शो किया, फ्रैक्शनल नंबर में और इंटीजर नंबर। फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर ऐसे नंबर जो कि डेसिमल वाले, ऐसे नंबर होते हैं डेसिमल नंबर, नंबर भाई फ्रैक्शनल नंबर ऐसे नंबर होंगे जो डेसिमल वाले होंगे या बोलो पॉइंट वाले होंगे। एग्जांपल ले लो आप 1.2, 2.3 कोई से भी पॉइंट होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? फ्रैक्शनल नंबर। इंटीजर नंबर्स कैसे होंगे? नॉन डेसिमल नंबर। इंटीजर नंबर कैसे होंगे? इंटीजर नंबर कैसे होंगे भाई? नॉन डेसिमल नंबर, है ना। मतलब कि आप ये बात समझ गए कि अगर इंटीजर नंबर है तो इंटीजर नंबर कैसा नंबर होगा? नॉन डेसिमल नंबर होगा। नॉन डेसिमल मतलब पॉइंट नहीं लगेगा, मतलब कंप्लीट नंबर होगा अपने आप में। मतलब तो कैसा हो सकता है भाई? हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, है ना, या फिर इसको समझ लूं मैं -1 हो, -2 हो, -3 हो, ये भी हो सकता है ना। कंप्लीट है क्योंकि क्या नहीं है? पॉइंट नहीं है, है ना, क्या नहीं है? पॉइंट नहीं है। तो ये क्या हो गया? इंटीजर नंबर हो गया। फ्रैक्शनल नंबर ये वाले हो गए। अच्छा ठीक है, इसका एक और बहुत हम लोग डिस्कस करते हैं, जो मैंने यहाँ पे इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, इरेशनल, इसको हम रेशो में नहीं शो कर सकते। यहाँ तो आपने समझ लिया जिसको P/Q बोलते हैं वो आपका रेशनल नंबर होता है। क्या इसको डिस्कस किया? क्या इरेशनल नंबर क्या होता है? नहीं किया। इरेशनल से हम क्या समझ लें? जो रेशनल ना हो। अब रेशनल ना हो तो कैसा नंबर हो सकता है? वो हो सकता है आपका पाई, √2, √3। एक और सिंबल होता है जिसे हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, स्मॉल ई से शो करते हैं, है ना। इनकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है। अच्छा क्वालिटी क्या होगी इसकी भाई? अगर कोई नंबर है पाई, जिसको हम यूज करते हैं ज्योमेट्री में, है ना, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 3.14, इसकी वैल्यू का वैल्यू होती है 3.14, या मोस्ट ऑफ द टाइम या इसको हम लिखते हैं 22/7, है ना, किसको? पाई को। अब ये जो 3.14 आप लिख रहे हो ना, सपोज करो ये अगर मैं पाई की वैल्यू की बात करूं, पाई ये 3.14 लिखा मैंने, ठीक है, तो ये मैंने 2 डेसिमल तक लिए, ये इंफिनिटी तक जा सकती है वैल्यू निकल गई। कहां जा सकती है? अनंत तक, और कहीं भी रिपीट नहीं होगी, है ना। तो अनंत तक है, इंफिनिटी तक है, और रिपीट नहीं कर रही है। मतलब कैसी है? कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना, रुक जाना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होगी कभी भी। तो जो पाई की वैल्यू है वो 9 नॉन टर्मिनेटिंग
और कैसी होगी, रिपीट नहीं होगी, हर बार आपको नई वैल्यू मिलेगी पॉइंट के बाद, 3.14 के बाद में आपको नई वैल्यूज मिलने लगेंगी हर बार। तो कैसी है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट ही नहीं होगी नहीं। तो जो इरेशनल नंबर है उसकी क्वालिटी ये है, इरेशनल नंबर की क्वालिटी क्या है, कहां लिखो इसको यहां पे लिख देता हूं, देखिए आप इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या होगी, ना रिपीट करेगी ना टर्मिनेट होगी। कौन सी वैल्यूज, इरेशनल, ना रेशो में होगी, रेशो में भी नहीं होगी, डेसिमल फॉर्म में होगी, मगर कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, ना रिपीट करेगी और ना टर्मिनेट करेगी, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। बात कर रहे थे हम लोग किसकी, यहां पे इंटीजर की, तो इंटीजर मतलब डेसिमल नहीं होगा, कंप्लीट नंबर होगा। फ्रैक्शनल नंबर भी पॉइंट वाला नंबर होगा, इसमें डेसिमल होगा, डेसिमल नंबर होगा, वो सारे फ्रैक्शनल नंबर। अब आइए यहां पर जो इंटीजर नंबर है उसको अगेन डिवाइड करा, नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, किस किस में किया, नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर मतलब नंबर लाइन पे, नेगेटिव मतलब नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे, नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं -1, -2, -3 और -∞ तक आप चले जाओ। इस तरीके से शो करूं अगर मैं नंबर लाइन लेकर के, तो -1, -2, -3 और आप चले जाओ -∞। तो ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव। और जीरो तो आपका जीरो होता है, न्यूट्रल नंबर होता है, क्या होता है, न्यूट्रल। तो यही तो डिसाइड करता है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा नेगेटिव नंबर, राइट हैंड साइड में क्या होगा नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर जो राइट हैंड साइड पे हो सारे क्या हो जाएंगे भी आपके पास में, 1, 2, 3 up to +∞। तो बच्चों वाली चीज थी। अब आइए यहां पर, जैसे आप लोग भी सब बच्चे ही हो, कोई बड़ा नहीं हुआ अभी 9th क्लास में, तो क्या सर आप बच्चे बोल दिए हम लोग। देखो आप होल नंबर, तो ये ऐसा गया ये तीर और यहां से गया ये तीर, तो ये किसकी तरफ बता रहा है, ये बता रहा है जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, होल नंबर। क्या बनाते हैं, होल नंबर मतलब क्या आएगा, जीरो से लेकर के प्लस इंक्लूड तक जितने नंबर गए वो, या जो नंबर जीरो को इंक्लूड कर दे साथ में, है ना, जीरो, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, होल नंबर। 0, 1, 2, 3 up to ∞ चले जाइए, आपको क्या मिलेगा, होल नंबर्स रहेंगे सारे। अच्छा अगर जीरो हटा दे तो क्या बन जाएगा, वो इंटीजर नंबर हो जाएगा, है ना, कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ये हो गया। और वहीं अगर इसके इस तरफ आ जाओ आप नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे आपको अगर नंबर मिल रहे थे भाई -1, -2, -3 up to -∞, तो वो सारे क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर, है ना, और जीरो इंक्लूड कर लिया तो वो सारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव नंबर है, ना, राइट हैंड साइड पे नंबर लाइन की जो नंबर है वो, उनकी बात कर लें तो उनमें कौन कौन से नंबर होंगे, उसको डिवाइड किया नेचुरल नंबर में, प्राइम नंबर में, ऑड नंबर में, इवन नंबर में। बहुत इजी है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये समझे पहले तो कि हमारे पास में इवन नंबर क्या होता है ना। तो इवन जो नंबर है, नेचुरल नंबर, जो आपको नेचुरल नंबर की बात करी पहले, तो नेचुरल नंबर समझे कि सर आपने बताया पॉजिटिव नंबर में नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, कौन से नंबर, काउंटिंग नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर दी दोज नंबर्स विच यू कैन यूज व्हाइल यू आर डूइंग काउंटिंग, है ना। जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तब हम लोग, या काउंटिंग के दौरान, ये हम लोग काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करो, क्या 0 से स्टार्ट करते हैं क्या, कि -1 की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, नहीं, कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर। तो नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स में भी इनको दूसरी तरीके से बोला जाता है, मतलब 1, 2, 3 up to ∞। वो सारे नंबर्स क्या होंगे,
आपके नेचुरल नंबर्स होंगे, जो काउंटिंग नंबर्स होंगे। तो नेचुरल नंबर्स आदि आप मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सर मेरे पास में जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स है वही सारे क्या होंगे, मेरे नेचुरल नंबर होंगे। मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स ही क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे, है ना। पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स है ना, होल नंबर्स की बात नहीं कर रहे, जीरो नहीं काउंट कर रहे हम लोग उसमें, क्या काउंट कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, है ना, न्यूनतम काउंटिंग। अब देखिए नेचुरल नंबर जो है वो डिवाइड किसमें हुआ, इवन नंबर में, ऑड नंबर में, प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में। बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर मतलब ऐसा नंबर इसकी क्वालिटी क्या होगी कि डिविजिबल बाय टू होगा, डिविजिबल बाय टू होगा, भाई टू से डिविजिबल नंबर हमेशा इवन नंबर होगा, है ना। ऑड नंबर क्या होगा, थ्री से डिविजिबल होगा, है ना, डिविजिबल बाय थ्री, है ना। ये भी डिविजिबल बाय टू होगा या फिर इट सेल्फ, है ना, खुद से डिविजिबल होगा या टू से डिविजिबल होगा। दूसरा नंबर ये हो गया भाई, क्या होगा, थ्री से डिविजिबल होगा या फिर खुद से डिविजिबल होगा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की हम लोग बात करें तो प्राइम नंबर में क्या होता है, केवल खुद से डिविजिबल होता है या उसमें खुद से, है ना, डिविजिबल बाय इट सेल्फ। अगर हम बात करें एग्जांपल लेकर की, देखिए यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लू मैं, मैंने बोला फोर डिवाइड हो रहा है टू से, है ना, आपको क्या दे रहा आंसर, टू। मैंने बात करी क्या, मैंने बोला टू किससे डिवाइड हो रहा है, टू से हो रहा है, वन आ रहा है। तो भाई या तो वो टू से डिविजिबल होगा, नंबर लिया अगर फोर तो टू से डिविजिबल है, या फिर वो खुद से डिविजिबल है। मैंने अगर नंबर टू ले लिया तो खुद से डिविजिबल है, आंसर क्या आ रहा है, वन। तो टू वन जा टू, खुद से डिविजिबल है, टू फोर जा टू और टू टू जा फोर, तो फोर भी जाओ किससे डिविजिबल था, टू से। ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर आप एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑड नंबर का, है ना। मैंने बोला एक ऑड नंबर ले लेते थ्री, तो नाइन, है ना, डिविजिबल बाय थ्री, तो थ्री थ्री जा नाइन, थ्री से डिविजिबल है। मैं अब एक और नंबर ले लेते हैं, थ्री ले लेते हैं, है ना, फिर से आप देख लीजिए, एक और नंबर ले लिया मैंने थ्री, डिवाइड किया थ्री से, तो कितना आंसर आया आपके पास में, वन। या मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिखा डिविजिबल बाय थ्री होगा, डिविजिबल बाय थ्री होगा कोई भी नंबर, या फिर खुद से डिविजिबल होगा, थ्री भी आप ले लीजिए, तो थ्री वन थ्री इट सेल्फ खुद से डिविजिबल हो रहा है ना। प्राइम नंबर डिविजिबल बाय इट सेल्फ, प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो केवल और केवल खुद से डिविजिबल हो सकता है, तो उसका एग्जाम्पल हो गया टू, भाई टू केवल टू से ही डिविजिबल होगा, है ना, या फिर वन से होगा। तो वन तो सब में ही रहता है, वन तो कॉमन है, यूनिवर्सल चीज हो गई वन, तो उसको हम ना भी कंसिडर करें तो भी चलेगा। तो क्वालिटी क्या है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की क्वालिटी है खुद से डिविजिबल होता है, किससे डिविजिबल होता है, खुद से। जैसे थ्री ले लो, थ्री वन जर थ्री, है ना, सेवन ले लो आप तो सेवन वन जर सेवन, है ना, उसके बाद में आप फाइव ले लो तो फाइव वन जर फाइव। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल होते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। कंपोजाइट नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। कंपोजाइट नंबर मतलब जो कि क्या होता है, जिसमें जो दो नंबर के मल्टीपल से मिलकर बनता है ना, इंटीजर नंबर कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ टू मल्टीपल्स, है ना, टू और मोर मल्टीपल्स, या इंटीजर नंबर्स कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ टू और मोर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स। कंपोजाइट नंबर का कहने का मतलब ये है, कंपोजाइट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें मल्टीपल्स होते हैं इंटीजर्स के। सपोज कीजिए अगर मैंने 14 लिया तो 14 जो है वो दो इंटीजर्स से मिलकर बना हुआ, दो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल से मिलकर बना है, जैसे 7 टू जा 14 या 2 7 जा 14 के लीजिए, आपके पास में एक इंटीजर 2 हो गया, दूसरा क्या हो गया 7। तो ये दोनों जो दो नंबर है इनसे मिलकर के क्या बना है, 14 बना होगा। तो कंपोजाइट मतलब दो मिलके बना होना, अलग अलग चीजों से मिलके बना होता, कंपोजाइट वर्ड होता है। किन चीजों से मिलके बना है 14, 2 से हो 7 से, तो एक नया इंटीजर नंबर है 14, अपने आप में इंटीजर है, इससे मिलके बना हुआ। तो दो छोटे छोटे इंटीजरों से एक लिया 2, दूसरा 7 मल्टीपल से, है ना, तो ये कंपोजाइट नंबर होगा।
तो आज की क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम कवर किया। आगे हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड होंगे, है ना। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो एक्सरसाइज 9th क्लास में 1.1 का होगा। तब तक के लिए थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय।